आइए दोस्तों बात करते हैं उस लेजेंडरी वॉरियर के बारे में जिसे इतिहास भुला चुका था, बट ओम राउत इनको फिर से दोस्तों जीवंत करके लेकर आते हैं सिनेमा में। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली द फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। तानाजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीक में तो धमाल मचा रखा है। बताना चाहता हूं दोस्तों कि तानाजी द अनसंग वॉरियर ने तो कमाल कर दिया है अपने सेकेंड वीक में, और प्लस जो सेकेंड सैटरडे का अमाउंट आया है वो पहले फर्स्ट डे जब फिल्म रिलीज हुई थी 10 तारीख को उससे भी कहीं ज्यादा आया है। 10 तारीख को फिल्म ने दोस्तों जो बिजनेस किया था, हमको पता है कि 15 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर बात करें सेकेंड सैटरडे की, यानी कि कल जो दिन गया दोस्तों, 16 करोड़ का बिजनेस किया है फिल्म ने। टोटल मिला के फिल्म ने दोस्तों अभी तक, ठीक है, फिल्म ने जो बिजनेस कर लिया है वो 145 करोड़ का कर लिया है, और आज के दिन 150 करोड़ पार। जी हाँ, तानाजी दोस्तों बहुत अच्छी ट्रेंड कर रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सेकेंड वीक चल रहा है और सेकेंड वीक में भी धमाल मचा रही है फिल्म। देखना दिलचस्प रहेगा कि तानाजी द अनसंग वॉरियर को और कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें तो फिल्म 200 करोड़ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये जो आने वाला हफ्ता है फिल्म आसानी से 200 करोड़ पार कर जाएगी। भाई अच्छी फिल्में बिजनेस करती है तो दिल खुश हो जाता है, बुरी फिल्में अगर अच्छा बिजनेस करती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये दर्शकों को क्या हो गया है। जो भी है, लेट्स सी आप लोगों का क्या रिएक्शन है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तानाजी कितनी बार देख ली बता दीजिए कमेंट सेक्शन में ये भी, और नहीं देखी तो फटाफट जाके देखिए, यू विल डेफिनेटली फील प्राउड। कमेंट सेक्शन आपका है, बताइए, बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।